आइए ये जो नीम, ये नीम देख रहे हैं आप, ये नीम, नीम ये आयुर्वेद में और इस नीम का बहुत ही महत्व तो दिया गया है। ये जो नीम है, नीम का पौधा कहते हैं कि नीम का पौधा उस, ये नीम का पौधा बहुत ऐसी औषधि है, पेड़ है, नीम का पेड़ देख रहे हैं आप। ये नीम कुछ इसकी थोड़ी सी पत्तियां लेके और 250 ग्राम पानी में आप इसको उबाल के रोजाना अगर इसे उबाल के इसका सेवन किया जाए तो चर्म रोग और किसी भी फोड़े फुंसी और मुहासे वगैरह और पिंपल्स वगैरह देखते हो आप, कहीं देखा होगा कई माताएं और बहनों के फेस पे पिंपल्स वगैरह निकल जाता है, पिंपल्स वगैरह निकला होता है, उसके लिए बहुत ही गुणकारी है ये, बहुत अच्छा है पौधा। और आइए आप देखिए, आप देख रहे हैं ये जो फल है ना, ये फल इसको पीस कर थोड़ा गर्म पानी में उबाल कर इसको, और दांत खाज खुजली हो इस पर लगाया जाए और तो बहुत लाभकारी होता। और आइए दोस्तों दिखाते हैं, ये नीम की छाल है, इसको आप थोड़ा पीस कर सिलबट्टे पे पीस कर या किसी पत्थर पे इसको रगड़ कर, हैं जो आप इसकी चूर्ण देखोगे, चूर्ण जो होगा इसका चूर्ण लगा, उसको पानी में गीला करके या इसमें नारियल का तेल मिलाकर आप अगर इसको लगाएं तो दांत खाज खुजली या फोड़ा फुंसी हो तो बहुत लाभकारी होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ के बारे, अगर इस पेड़ के नीचे रह जाए किसी बीमारी वगैरह से, जिस घर में ये नीम का पेड़ होता है उस घर में किसी, अगर बिस्तर लगाया जाए इसके नीचे और आराम सोया जाए तो उस घर में किसी बीमार नहीं होता, व्यक्ति बीमार नहीं होगा और स्वस्थ सही रहेगा। पर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद।